आपको रिमाइंड कराता चलूं कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे कुछ बातें पहले शेयर कर चुका हूँ कि जैसा लड़कियाँ उगाने वाली एक नहर है जिसे शिमर बिन आतिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जन्नत में कुछ नहरें ऐसी हैं जो लड़कियाँ उगाती हैं। ये लड़कियाँ मुख्तलिफ आवाज़ों में अल्लाह की हम्द व सना बयान करती हैं। वो ऐसी खूबसूरत आवाज़ हैं उनकी कि ऐसी आवाज़ कानों ने कभी नहीं सुनी होगी। तो उन्होंने यहाँ पर कई नहरों का ज़िक्र किया है। अब ये कई नहरें एक ही किस्म की हैं, मुख्तलिफ किस्म की नहरें, अल्लाह बेहतर जानता है। इससे एक नहर के मुतालिक मैंने आपको पहले बताया था। अच्छा, वो कहती क्या हैं? वो कहती हैं कि हम हमेशा रहने वालियाँ हैं, कभी ना मरेंगी। हम लिबास पहनने वालियाँ हैं, कभी बेलिबास ना होंगी। हम हमेशा नेमतों वालियाँ हैं, कभी भूखी ना होंगी। हम हमेशा नेमतों में रहने वाली हैं, कभी रंज और तकलीफ़ में न जाएंगी। इसे सिफतुल जन्ना में रिवायत किया गया है। अच्छा, अलावा अजीं हज़रत मरियम बिन अबी मरियम सलूनी फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन आज़ान देता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआ को कबूल किया जाता है और हूर बनाओ सिंगार करती है। यानी मतलब है कि आज़ान चूँकि नमाज के लिए दी जाती है और लोग उसको सुनकर नमाज अदा करने के लिए आते हैं, तो इसलिए इनके अमाल के आसमान पर चढ़ने के लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और चूँकि आज़ान के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, इसलिए दुआ मांगने वाले की दुआ भी उस वक्त कबूल होती है। और किसी भी नेक अमल की कबूलियत पर अनब्याही हूरें जो अभी मुसलमान किसी मुसलमान के लिए ख़ास नहीं हुई होती, ज़ेबो ज़ीनत करती हैं कि शायद इस वक्त अल्लाह ताला हमें अपने किसी नेक बंदे के साथ उसके नेक अमल को कबूल करने की वजह से मंसूब कर दे। और जो हूरें पहले से मुसलमानों के साथ मंसूब हो चुकी हैं वो अपने खावंद के नेक अमल करने की खुशी में या नेक अमल करने की वजह से दर्जे में तरक्की होने से बतौर खुशी के या अपने जन्नती शोहर को मज़ीद नेक आमाल की तरगीब दिलाने के लिए आज़ान के वक्त सिंघार करती हैं। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहरहाल, ये बहुत खूबसूरत चंद एक बातें और तफसीलात आज आपसे शेयर करना चाह रहा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि सैयद साद कादरी इंग्लिश चैनल एक है, और इसी तरह मैंने अभी रिसेंटली सैयद साद कादरी कुरान रेसिटेशन का चैनल भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों चैनल्स को विज़िट करना, इन्हें सब्सक्राइब करना, इनमें वीडियोस देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।